स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम लोग क्लास टू के मैथ में पेज नंबर 8 है और डेट है 15 मई। ठीक है, तो 15 मई को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जितना मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। सो अब उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल का साइन है। सो इसको हम देखते हैं। तो जब कोई भी नंबर, अगर दो नंबर के बीच में क्या हो रहा है, दो नंबर के बीच में जो है कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो बड़ा होता है 34 एंड 61 में बड़ा कौन है? तो आप जानते हो कि 34 और 61 में 61 बड़ा है। तो सो जो बड़ा होता है उसमें हम लोग ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं। ठीक है, उसकी ओर हम लोग, जो बड़ा होता है उसकी ओर हम लोग इसके मुंह को खोल देते हैं। ऐसे बोलो तो आपको समझ में आएगा। फिर 44 एंड 40 में बड़ा कौन है? 44 बड़ा है, तो 44 की ओर हम लोग ऐसे कर देंगे। 50 एंड 40 में कौन बड़ा है? तो 50 एंड 40 में 50 बड़ा है, तो 50 की ओर हम लोग ऐसे कर देंगे, समझे? और एक मान लो मैं खुद से दे देता हूँ आपको, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 9 9 क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन ऐसे दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइट 15 51 25 52 एंड 5 एंड 50 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है आपको पता है ना? डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होता है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर में होता है कि जो सबसे छोटे नंबर होता है, सबसे छोटा, इस सब में सबसे छोटा 5 है, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। पर डिसेंडिंग नंबर में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे जो छोटा होता है उसको पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? सबसे छोटा। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 15 51 25 52 एंड 5 एंड 50। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा है 52। तो सबसे बड़ा को 52 को लिख देंगे। उसके बाद कौन है? 51 51। इसके बाद 50। उसके बाद 25। उसके बाद 15, फिर 5। तो ये बन गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम लोग लिख दिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया कि सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे बड़ा था 52, फिर 51, फिर 50, फिर 25, फिर 15, फिर 5। ठीक है, बड़ा से छोटा है ये। अगर असेंडिंग ऑर्डर बोलता तो यहाँ हम लोग जो है छोटा को पहले लिखते, फिर इसको यहाँ, फिर इससे ऐसे, मतलब छोटे से बड़े में जाते हैं, और डिसेंडिंग में बड़े से हम लोग छोटे में हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन है, टेंस एंड वंस वाला एडिशन। तो वंस प्लेस में क्या है? 3 5। 3 है ऊपर, तो 1 2 3, 5 है 1 2 3 4 5। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 हुआ, यहाँ 7 है, नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट 7 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हुआ इसको, और नीचे 0। तो 0 का जो है कुछ वैल्यू नहीं होता, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अगर 0 लिखा हो जाएगा तो यहाँ हम कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 प्लस 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। 0 किसी भी नंबर के साथ, अगर 0 को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो नंबर उतना ही लिखा जाता है। यहाँ 6 है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, और नीचे 6 है, तो 6 डायरेक्ट 6 लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 7 क्या हो जाएगा? 9 एंड ये 5। आप खुद से इसको ऐड करके देख लेना, 5 3 8 5 6 1 7 और यहाँ फिर 9, 7 2 9 और यहाँ पे 6। 20 प्लस 20, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसमें है 20 प्लस 20 क्या होता है? तो 20 प्लस 20 हम लोग देखते हैं,
0 0 0 एट एंड 2 2 2, नीचे भी 2 1 2 3 4, 2 2 4, कितना हुआ 40। अब 11 प्लस 7 को देखते हैं, 11 प्लस 7, ये जो होगा अगर सिंगल नंबर होगा यहाँ पे, सिंगल डिजिट, तो उसको हम लोग जो है इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि आप 11 है और 7 में ऐड करें तो ये नहीं कि आप यहाँ लिख देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा 11 है और 7 ऐड करना है या 6 ऐड कुछ भी, तो इसको हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नहीं, ठीक है। तो 11 प्लस 7 करना तो देखते हैं, 1 1 है और नीचे 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाय 8 लिख दिए और यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 है ऊपर, तो डायरेक्ट 1, तो कितना हुआ 18। इसी प्रकार 63 प्लस 6 हो जाएगा 69 एंड 10 प्लस 74 हो जाएगा 84। सो आज के वीडियो हम लोगों का कंप्लीट होता है, आज का क्लास कंप्लीट होता है। सो इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 7 में, पेज नंबर 9 में, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप बना लेना और सॉल्व कर लेना, जो नहीं बनेगा वो आप जो है संडे को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना, सॉल्व करके दे दिया जाएगा।